जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से ही वहां के हालात में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी अन्य जगह की तरह एक सभ्य और सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। जनरल बीएस राजू ने नियंत्रण रेखा के पास उग्रवाद के संचालन की रोकथाम करने वाली चिनार कोर में वो तैनात है। उन्होंने पंचायत और जिला विकास समिति के चुनाव से पहले पत्रकारों से बातचीत भी की। बीएस राजू ने बताया कि 250-300 से अधिक आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी ठंड आने वाली है, इसीलिए यह बताने में हमें खुशी है कि हमारे जवान पूरी तरह से तैनात हैं। हम किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं होने देने वाले। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता को यह संदेश पहले भी दिया गया है कि जो हथियार उठाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही हथियार उठाने के बाद अगर कोई वापस आना चाहता है तो हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। ऐसा 2-3 लोगों ने किया भी है। बीएस राजू ने आगे बताया कि सीमा पर पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ को लगातार रोका भी जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा घाटी में की जा रही आतंकी घुसपैठ पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने बताया कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से ही घाटी में आतंकवादियों की हरकतें लगातार घट रही है। सेना के आंकड़े बताते हैं कि घाटी में 207 सक्रिय आतंकवादियों में से 117 स्थानीय हैं और 90 पाकिस्तान से आते हैं। आंकड़ों के क्षेत्रवार ब्रेकअप से पता चला है कि उत्तरी कश्मीर में 22 स्थानीय नागरिक और 65 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जबकि दक्षिण में 95 स्थानीय भर्तियां और सीमा पार से 25 आतंकवादी हैं। आंकड़ों से यह भी पता चला कि उत्तरी कश्मीर में 24 युवा उग्रवाद में शामिल हो गए हैं, जबकि 107 ने दक्षिण में ऐसा किया। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की मदद से स्थानीय युवाओं को आतंकवाद से दूर किया जा रहा है, उन्हें लगातार कश्मीर की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टीवी भारतवर्ष से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।